वाले बाबू, पीछे वाले बाबू जरा हेलमेट लगा लो, हेलमेट लगा लो, हेलमेट लगा लो। हेलमेट नहीं पहना सबसे पहले? मेरा हेलमेट टूट गया इसीलिए। तो टूट गया तो नया ले लेते ना, मोबाइल टूटता है सीधा नया लेते कि नहीं? यस यस। तो सर्वर फूट गया वो थोड़ी नया आएगा? सर हेलमेट नहीं है मेरे पास। क्यों नहीं है? नहीं जो था वो चोरी हो गया है। तो फिर नया क्यों नहीं लिया? ले लेंगे अभी। तो अभी आपको पता कितना दंड है? तुम्हारा नाम क्या है? रोशन दुबे। हेलमेट किधर है? नहीं पहना अभी। क्यों नहीं पहना? लेट हो गया था, कॉलेज जा रहा था। तो ऐसे हेलमेट भूल जाने का? मोबाइल बटवा वटवा लिए कि नहीं लिए? मोबाइल और एडिशनल कमिश्नर साथ भी आए। देखो आपको गुलाब दे रहे हैं यहाँ पर, कि जान प्यारी होगा तो अच्छा रहेगा ना? सही है। लेकिन आपका फोटो भी ले रहे हैं, आपका चलान भी हो रहा है, इसके बाद में आपका नंबर और ये सब हमारे पास में रहेगा। तब भी आप दिखेंगे गाड़ी पे तो ये सर पे होगा, ना कि कहीं गाड़ी पे लगाया होगा। ठीक है, अभी देखो कमिश्नर साहब खुद आए यहाँ पर। आज आपको हम हेलमेट गिफ्ट दे रहे हैं, गुलाब का फूल भी दे रहे हैं। इसके बाद अगर आप पूरे रोड में पकड़े गए तो आपका गाड़ी का नंबर नोट किया है, फिर आपकी गाड़ी भी चेक होगी और हेलमेट भी ओपन करना पड़ेगा और फाइन भी भरना अलग। चलान भी कट रहा है, 500 रुपए का इंश्योर्ड हेलमेट ही मिल रहा है आपको, 1500 का हेलमेट है ये। तो बहुत खुश है कि एक महीने से हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं। पीछे वाले बाबू हेलमेट लगा लो, हमारे साथ सेलिब्रिटी आ रहे हैं, स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, ग्रेट वाइट इलेक्ट्रिकल जो ये पूरा स्पॉन्सर किया है 300 हेलमेट, ये हमारा दूसरा लेग है। आज 100 हेलमेट दे रहे हैं, ऑलमोस्ट अब तक 600 हेलमेट खुद हम रेडियो सिटी से लोगों को दे चुके हैं। क्योंकि जान से प्यारा कुछ नहीं है और ये मैसेज हम लोगों को फैलाना चाहते हैं कि अपनी पीछे वाले जान की परवाह करो। इतना कैजुअल बिहेवियर रहा है हमेशा का, लोग हेलमेट नहीं पहनते थे, अब कंपलसरी हो गया है, तो कंपल्शन का हमारा थोड़ा योगदान है। हेलमेट तो वैसे भी बहुत जरूरी है। मेरे जो बड़े भाई हैं वो ट्रैफिक में हैं और मेरे पापा पुलिस में रहे, तो मुझे पता है जब वो लोग बताते हैं कि हर साल कितनी डेथ होती है सिर्फ गिर जाने से, सर पर चोट लग जाती है तीनों, और लोग पता नहीं किस बात की इम्पोर्टेंस समझ नहीं रहे हैं। मैंने खुद ये गलती करी, मैंने वॉज वेरी यंग, मैं भी गिरा हूँ, मेरा फेस कट गया था यू नो। तो बहुत ज़रूरी है कि आप समझना कि आपकी जान है तो जवाब है, और ये हेलमेट आपकी सेफ्टी के लिए है। इससे लगता है लोगों की फेस नहीं दिखेगा, चश्मा नहीं पहन सकते, कम्फर्ट नहीं है, बट ये नहीं होगा तो उसके लायक कुछ बचेगा। रेडियो सिटी 91.1 FM पर मारू नाम छे करण एंड आई एम सो हैप्पी कराड़े सर हमारे साथ, जॉइंट कमिश्नर पुलिस थाने तीन हाथ नाका। आज हमने बहुत सारे हेलमेट बांटे। सर आपको खुद को कितना मजा आया ये आपके अपने पूरे करियर में? दिस इज द फर्स्ट टाइम कि आप ऐसा हेलमेट दे रहे हैं लोगों को? नहीं, इसके पहले भी काफी ऐसे कुछ उपक्रम किए हैं, लेकिन दिस वॉज वन ऑफ द वेरी इनोवेटिव वन। जिसके पास हेलमेट नहीं था उसको हम एक तरफ से हम हेलमेट गिफ्ट भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ से उनको थोड़ा कायदा या लॉ की बाजू भी हम उसको बता रहे हैं, उसको हम फूल भी दे रहे हैं और उसको पेनल्टी का या उसके सेफ्टी के बारे में बता रहे हैं। सो यानी कि उसको प्यार से भी और थोड़ा डर से भी, कायदे का डर से भी हम बता रहे थे। इट वॉज़ अ गुड इनिशिएटिव। आई एम थैंकफुल टू रेडियो एंड द स्पॉन्सर टीम ऑल्सो। तो ये अच्छा उपक्रम लगा मुझे।